शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 128। पहले आप लोग इस अच्छे से लेबल कर लेंगे, इंग्लिश की वर्कशीट है, क्लास लिख लेंगे, डेट, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, द लिटिल फायर ट्री। आज हम लोग लिटिल फायर ट्री के बारे में जानेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, यानी हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर स्टडी वेल, यानी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगी। लुक एट दिस सेंटेंस, यानी इन सेंटेंस को देखिए। आई लाइक कुकिंग पेट्स एंड किड्स, यानी कि आई लाइक कुकिंग, मुझे खाना पकाना पसंद है, पेट्स एंड किड्स, यानी कि किसके साथ, पेट्स के साथ और किड्स के साथ। नाउ लुक एट द पिक्चर, अब आप इस पिक्चर्स को देखें। इन द टेबल गिव इन ब्लो, जो आपको नीचे दी गई है, तो देखिए यहाँ आपका क्या दिया गया है, नीचे आग जल रही है, उसके ऊपर यहाँ पे कैट है, यहाँ पे डॉग है और डॉग के मुंह में हड्डी है, ठीक है। तो क्या लिखा, आई लाइक कुकिंग पैट्स एंड डॉग, यानी अब आपके दिमाग में क्या आई यहाँ पे बात, कि ये सेंटेंस अटपटा है, कि मुझे खाना पकाना, जानवर और बच्चे अच्छे लगते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ, जानवर और बच्चे अच्छे लगते हैं, खाना पकाना, क्या हमें खाने पकाने में जानवर और बच्चे अच्छे लगते हैं, नहीं। तो ये क्या है, ये आपका सेंटेंस गलत है ना। तो सेंटेंस क्या होगा, आई लाइक कुकिंग, मुझे खाना पकाना पसंद है, पेट्स एनिमल पसंद है और किड्स बच्चे पसंद है, यानी मुझे खाना पकाना पसंद है, बच्चे पसंद हैं और जानवर भी पसंद हैं, ठीक। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ हमने एक छोटा सा कोमा लगाया, जिसकी वजह से हमारी बात क्लियर हो गई, वरना तो बात ऐसी लग रही थी जैसे पता नहीं मैम क्या बोल गई है ना। डिड यू नोटिस द मैजिक ऑफ कोमा, क्या आपने यहाँ पे इस कोमा का मैजिक को नोटिस करा, कि किस तरह से सिर्फ एक कोमा ने पूरे सेंटेंस को बदल दिया। फनी इट इज़ नॉट इट, ठीक है, यानी कि हाँ सचमुच अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये मजाक बन जाता है ना। हाउ अ स्मॉल साइन, यानी सिंबल, इसे साइन यानी सिंबल का मतलब क्या होता है, निशान, कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी किस तरह से एक छोटा सा साइन, एक छोटा सा निशान पूरे सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर देता है, ठीक है। आगे क्या लिखा, पंक्चुएशन मार्क, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं, और सिंबल साइन दैट आर यूज्ड इन द सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स टू मेक द मीनिंग क्लियर, यानी कि इन छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, ये बहुत सारी तरह के मार्क्स बनते हैं भाई, कॉमा भी बनता है, फुल स्टॉप भी बनता है, क्वेश्चन मार्क भी बनता है, स्लैश भी बनता है, इस तरह से क्वेश्चन मार्क भी बनता है, ये बहुत तरह के मार्क होते हैं, ये आपके सारी छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन करने में, उनके मीनिंग को क्लियरली आपको पता चल जाए बताने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या लिखा है, नाउ लेट अस ऑब्जर्व, चलिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, द टेबल गिवन बिलो टू लर्न अबाउट फ्यू सच साइन और मार्क्स, यानी यहाँ पर जो टेबल दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हम कुछ मार्क्स और कुछ साइन को लर्न करने की कोशिश करते हैं। पहला लिखा है फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप का मतलब होता है सिंपल से डॉट, जैसा कि यहाँ आपको दिया गया, ये देखिए ये आपका फुल स्टॉप लगा है ना। तो क्या लिखा, इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ सच सिंपल सेंटेंस, यानी कि कोई सिंपल सा सेंटेंस के आई वॉचिंग वीडियो, यानी मैं वीडियो देख रही हूँ, सिंपल सेंटेंस है, जैसे मैं बोलूँगी आई वॉचिंग वीडियो तो उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा कि मैं वीडियो देख रही हूँ, ठीक है। आई टॉकिंग विद यू, यानी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो क्या जगह यहाँ पॉइंट लग जाएगा, सिंपल बात हो जाएगी कि हम आसानी से बात कर रहे हैं। तो लिखते हैं इट इज़ यूज्ड, ये यूज़ किया जाता है किसी भी एक सिंपल सेंटेंस के ख़त्म होने पर, एंड वाने होता है ख़त्म होने पर, जैसे सेंटेंस खत्म फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल रुचि लाइक टू रीड बुक, यानी रुचि को किताब पढ़ना पसंद है, ठीक है। आप लिख दीजिए नेहा लाइक टू रीडिंग बुक, यानी नेहा को किताबें पढ़ना पसंद है। तो अब क्या है, ये बात खत्म हुई ना, तो यहाँ देखिए क्या लग गया, सिंपल बात खत्म हुई, लग गया फुल स्टॉप। ऐसे लिखा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, यानी किसी क्वेश्चन के एंड में इसको लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि व्हेन इज योर बर्थडे, यानी तुम्हारा बर्थडे कब है, तब आप बताएंगे मेरा बर्थडे मैम तो इस दिन को है ना। तो चलिए, तो इस तरह से जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपसे पूछूं आपने अपनी वर्कशीट पूरी की कि नहीं की, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि की या नहीं की। अब बात करते हैं कोमा की, कोमा इट इज़ यूज टू सेपरेट थ्री और मोर आइटम्स इन अ लिस्ट, यानी कि दो तीन या तीन से ज़्यादा अगर आइटम होते हैं एक ही लिस्ट में, तो उनको अलग अलग डिनोट करने के लिए हम लोगों को कोमा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि अभी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं लिखूँ कैट, ठीक, और
डॉग यानी कैट एंड डॉग हो गया, ठीक। लेकिन अगर मुझे इकट्ठा 5 पेट्स नेम लिखने हैं तो मैं लिखूंगी कैट, डॉग, गोट, है ना। तो अब क्या है, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकती, और अगर बार बार एंड लगाऊंगी तो भी बुरा लगेगा कि मैम अरे बार बार एंड क्यों लगानी है। तो इसके लिए मैं कॉमा का इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। डॉग के बाद क्या हो कॉमा, गोट के बाद कॉमा, अब मैं लिखूंगी मंकी, सॉरी के ई वाई, है ना। तो मंकी, अब जब लास्ट का लिखूंगी, देखिए अब 4 हो गए, अब मैं लास्ट जब लिखूंगी तो लिखूंगी एंड एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट भी पाला जाता है ना। तो क्या है इससे ई एल ई पी एच ए एन टी, है ना, ये पी बनाया है, पी एच ए एन टी एलिफेंट। तो क्या अब मैंने यहाँ देखिए 5 लिखा, तो 1 2 3 4, इन चारों के बीच में मैंने कॉमे का इस्तेमाल करा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें लास्ट का एंड, तो इसमें लास्ट के ऊपर मैंने क्या इस्तेमाल करा, एंड का इस्तेमाल करा, है ना। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, पुट अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि हमेशा याद रखिए जब कोई कैपिटल, कभी भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके शुरू में हमेशा हमें पहला वर्ड कैपिटल बनाना होता है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ फुल स्टॉप लगा, दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ, देखिए हमने बड़ा वर्ड बनाया, है ना। यहाँ देखिए एग्जांपल के लिए पहला सेंटेंस शुरू हुआ तो देखिए पहला वर्ड बड़ा बनाया। तो हमेशा याद रखिए जब भी कोई फुल स्टॉप आता है और उसके बाद नया सेंटेंस शुरू होता है तो उसका पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है। अगली बार क्या बताई इन्होंने, पुट अ फुल स्टॉप यानी कि डॉट एट द एंड ऑफ द टेलिंग सेंटेंस, यानी कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट आप देते हैं, कोई भी बात आप कहते हैं तो उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन सेंटेंस, यानी कि अगर कोई आप ऐसा सेंटेंस पूछते हैं जो क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा आप लोग ने खाना खा लिया, तो आप कहेंगे यस मैम। तो ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, ये आपका क्या था, मेरी तरफ से आपके लिए क्या था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और आपने जो मुझे जवाब दिया ये आपका एक सिंपल सा जवाब था, ठीक है। तो यस मैम के बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे कि यस मैम हमने खाना खा लिया, ठीक है। तो आपको पता चला ना कि कौन सा हम कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है, लेट अस री राइट द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी जो यहाँ आपको सेंटेंस दिए गए हैं इनको रीराइट करिए यूजिंग सब्स्टेंस पनिशिएशन मार्क। और अब आपको यहाँ पे यही आपके फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या कॉमा वाले मार्क्स भी लगाने हैं, ठीक है। फायर ट्री, ठीक है, अ फायर ट्री ने क्या कहा, हु आर यू सर, यानी अ फायर ट्री ने क्वेश्चन पूछा कि आप कौन है सर, हु आर यू सर, यानी अब आप इसको क्या करेंगे, देखिए फायर ट्री तो एज इट इज रहेगा, ठीक। लेकिन जब आपकी बारी आती है इसको करने की तो आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ये सारे आंसर मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी, फिलहाल हम पढ़ लेते हैं। देखें यहाँ पे अगला क्या लिखा, मैजिशियन, यानी कि वो जो जादूगर था उसने बोला माय नेम इज शेट्टी एंड आई एम अ मैजिशियन, यानी मेरा नाम श्री शेट्टी है और मैं एक मैजिशियन हूँ, ठीक। तब आपको यहाँ पे भी मार्क्स लगाना है, यहाँ पे भी लगेगा, इसका भी आंसर एक साथ ही देखेंगे। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है मैजिशियन थैंक यू फॉर गिविंग मी शेल्टर, यानी कि शुक्रिया पेड़ तुमने मुझे वो शेडो दी, धूप थी उसे गर्मी, मतलब भाई परछाई छाया दी ना, शेल्टर का मतलब होता है छाया देना, ठीक। तो पेड़ ने उसको छाया दी, इसके लिए मैजिशियन ने उसको थैंक यू बोला। तो चलिए इसके आंसर देख के अब हम लोग वीडियो को फिनिश करते हैं, क्योंकि बस यही 3 इसमें क्वेश्चन है जो आपको करने। तो चलिए इन आंसर्स को देख लेते हैं, आप लोग इसको इस तरह से कर लेंगे कि पहला जो आपका लिखा है वो क्या लिखा, फायर, हु आर यू सर, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे हु आर यू सर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। मैजिशियन माई नेम इज शेट्टी, आई एम अ मैजिशियन, तो आप माई का एम कैपिटल करेंगे, ठीक है। शेट्टी का तो कैपिटल है, यहाँ मैजिशियन का एम कैपिटल करके फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपको दिया गया मैजिशियन थैंक यू फॉर गिविंग मी शेल्टर, यानी मुझे शेल्टर देने के लिए, मुझे छाया देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, थैंक यू का टी कैपिटल कर देंगे, ठीक है, और यहाँ शेल्टर का एस कैपिटल करके यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसे आसानी से कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।